इंशाल्लाह। एक चीज़ ये भी देखने में आ रही है कि इवन गवर्नमेंट के बोलने के बाद, उलमाओं के बोलने के बाद भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में भी अभी भी एहतियात नहीं कर रहे हैं और सड़कों पर आ रहे हैं। बच्चों ने इन छुट्टियों को खेल कूद का टाइम बना लिया है, वो सड़कों के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरीके से दूसरे आउटडोर गेम खेल रहे हैं। तो क्या ये चीज़ आप इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को? देखिए, मैं पब्लिक को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने घर में रहिए, गवर्नमेंट ने जो आपको ऑर्डर्स दी है, अहकाम दी है, उस पर अमल कीजिए। ये अहकाम हमारी और आपकी हिफाजत के लिए, इसमें मेरी और आपकी दोनों की सिक्योरिटी, हमारे और हमारे घर वालों की हिफाजत है और हमारे आस पड़ोस की हिफाजत है। लिहाजा मैं अपील करूँगा, ये ना हो कि भाई जहाँ पुलिस देख रही वहाँ नहीं आएंगे, जहाँ पुलिस नहीं देख रही वहाँ साथ बैठेंगे, गुटके पान बीड़ियाँ खाएंगे, ग्रुप जमाएंगे और डिस्कशंस होंगे, खेलकूद होगा, मैचेस होंगे, बिल्कुल मत कीजिए। ये लॉकडाउन इसलिए है कि आप लोग सेफ रहे, सिक्योर रहे, हेल्दी रहे, ये उसके लिए। तो मैं अपील करूँगा कि पुलिस के बगैर बताए भी ये काम हो, और मैं अपील करूँगा NGOs को और मुस्लिम नुमाइंदों को, मुस्लिम जिम्मेदारों को और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के रिस्पॉन्सिबल पर्सनस को, रिलीजियस लीडर्स को, कि वो अपनी अपनी कम्युनिटी में ये बात करें, कि वो कम्युनिटी पॉलिसिंग जिसको बोलेंगे, कि सोशल मैसेजेस जारी करें ताकि लोग एक दूसरे से दूर रहें, डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें और हेल्दी रहें। तो अल्लाह के लिए घरों से बाहर मत निकलिए, अंदर रहिए, एहतियात कीजिए, ज़रूरत की चीज़ें भी लाना तो एहतियात के साथ जाइए, अननेसेसरी लोगों से ना मिले, और एहतियात के साथ घर आकर अपने आप को भी महफूज रखिए और अपने घर वालों को और दीगर लोगों को भी महफूज रखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हमने आज बहुत सारे सवाल जो हम तक आ रहे थे और हर किसी शख्स के जहन में जो सवाल आ रहे हैं, हमने उसके जवाब को एडवोकेट फैज़ सैयद से तलब किया और हमने उसका इस्लाम क्या, उसके बारे में क्या कहता है, हमने उस चीज़ को जाना। तो हम इस बात की आपसे फिर एक बार अपील करेंगे कि जो जो हिदायतें दी गई है उसको हम फॉलो करें, जिस तरीके की एहतियात हमें कही जा रही है हम वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और इसका बिल्कुल कोई लेना देना ईमान और तवक्कुल में कमज़ोरी से नहीं है, और ईमान से ही और सुन्नत से ही ये साबित है कि हमें इलाज भी कराना है और सारी एहतियाती तदाबीरों को भी इख्तियार करना है। तो इसके लिए हम सब दुआएं भी करें और अल्लाह से हम दुआ करें कि इस बीमारी को जल्द से जल्द अल्लाह सुभान व तआला ख़त्म करे और हमें अपनी हिफाजत में रखे। और मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह सुभान व तआला हर इंसान को इस बीमारी से उसको निजात दे और इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे। हम दुआओं का अहतमाम करें, जितने सारे हम अज़कार कर सकते हैं उसका अहतमाम करें और अपने घरों में महफूज रहे, बाहर ना निकले, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। अस्सलामु अलैकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोज़ाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए IDs को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।